गाइस, मैं हूं रोहन। आप देख रहे हैं चंडी माइल लाइव। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। ये देख रहे हैं आप गुलाब बाग का फ्रंट, मतलब सामने का गेम बहुत ही अद्भुत है। और एक द पैलेस करके एक कार कलेक्शन का बहुत ही अच्छा जगह है। ठीक है, अब चलो हम अंदर जाके देखते हैं गुलाब बाग कैसा दिखता है और कैसा है। वाले डर रहा है क्या तू? बिल्कुल भी मत डर। देखिए दोस्तों, हम अंदर आ चुके हैं। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, आप अगर बाइक लेके आते हैं तो बाइक हमेशा अंदर पार्क कीजिएगा, क्योंकि पार्किंग हॉल बना हुआ है। यहाँ पे सुरक्षा देने के लिए पुलिस गार्ड भी गाड़ी अंदर लाएगा है, मतलब। ठीक है, ये देखिए कितना सुंदर सा एक मस्त झील बना हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। ये फ्रंट गेट सामने ही बना हुआ है। मेरी तरह घंटा हूँ तेरे। यूँ गुलाब बाग घुसने में बहुत सारे गेट है यहाँ पे, लेकिन ये फ्रंट गेट है और बाकी और भी सारे गेट है जो आपको आगे दिखेंगे। यार पार्क अंदर गाड़ी, ये जंगल जो है बहुत ही हरा भरा है। उदयपुर के एकदम सेंटर में मैं पकड़ता हूं, जा लेके उदयपुर को सबसे अच्छा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला स्थान है। हेलो गाइस, स्टूडियो थोड़ा पुश। देखिए दोस्तों कितना हरा भरा, और ये इधर से दिखेगा दोस्तों, देखो कितना अद्भुत नजारा है। हम दो दोस्त इस जगह को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत प्यारा जगह है यहाँ पे, छोटा सा वाटरफॉल से देखो। कितना पाओ, ये है गुलाब पाओ। देखते ना, मेरे दोस्तों गुलाब बाग है, बहुत ही सुंदर है, सुंदर अद्भुत जगह है। हेलो दोस्त, मेरा नाम रोहन है, मेरा यूट्यूब चैनल जर्नी माई लाइफ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए दोस्त कितना सुंदर है ये उदयपुर के अंदर गुलाब बाग, एक बहुत प्रसिद्ध बाग है, बहुत ही बड़ा बाग है उदयपुर का। और क्या बताएं, काफी बड़ा है ये, बहुत पुराने समय से ये भी। देख सकते दोस्तों बहुत ही बड़ा है ये पार्क, आपको दिखाऊंगा आगे और कितना सारा कुछ है इस पार्क में। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बहुत ही विशाल पार्क, यहाँ पे बहुत सी प्रकार की चिड़िया घूमती है। और उदयपुर में पहले कौन सी जगह जाए, इधर जा, ये दोस्तों गुलाब पार्क कुछ जगह है अद्भुत। दोस्तों बहुत ही सुंदर जगह है ये, यहाँ पे आने के बाद में मन को सुकून मिल जाता है।
स्केटिंग कर रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं। इधर तो यहाँ से एंड है ये पार्क है दोस्तों। ये बहुत ही विशाल है, विशाल। इसको आप घूम घूम के थक जाओगे, इतना बड़ा है ये पर। अभी तक चल ही रहे हैं, इतना बड़ा, अभी तक रुके नहीं हम इस पार्क में। कुछ बच्चे लोग वहाँ पे खेल रहे हैं, वहाँ पे खेलने की सुविधा भी है, बैडमिंटन सब खेल रहे हैं। तू पकड़ेगा थोड़ा सा, घना जंगल, घना मतलब इतना सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह। हम आपको दृश्य बताएंगे। इधर आए गाइस, देख सकते हैं इसके अंदर लोग भी रहते हैं, वो कुछ लोग हैं वहाँ पे साफ सफाई का काम कर रहे हैं। दारू क्या पता, बंद। सुंदर जगह है, सुंदर। देखो चलो गाइस, यहाँ पर बच्चों की रेलें चला करती थी, अभी शायद ऑफिस से डालने के लिए कर रहे हैं रेल की पटरियाँ। इससे वैसे कैसा हो गया ये जगह पूरा, पहले कितना सुंदर। ये तो क्या यहाँ से सब चला गया कि सज्जनगढ़ सब जानवर से, तो यहाँ कुछ नहीं रहा। सज्जनगढ़ क्यों चला गया भाई,
उधर से रोड को दिखाना बनता है। ये देखो गाइस, तोते यहाँ पे बहुत से तोते हैं। बहुत ही विशाल काय है ये जगह। ये रास्ता नहीं, ये गार्डन देख। वो है रोज गार्डन, वो तू पकड़ के चलेगा, मैं थोड़ा सामने सामने इसको एक फोटो ले लेता हूँ। वो बहुत अच्छा है। अभी पकड़ पकड़ के रखो, यूँ पकड़ के रख लो कमरे के ऊपर हाथ में, गाय भी खड़ा रहेगा। गाय में देख सकते हो इतना सुंदर पार्क है यहाँ पे। ये स्टैचू है तो बहुत सुंदर है, उसको महल है। इसके जो महल है जो रात के समय से भगवान के नाम से बना है साउथ नॉर्थ को, और वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा है। आप देख सकते हैं, आपको आगे और बताएंगे हम किस तरीके से है। इसका फोटो तो बनता है बहुत।
छोरे पड़े बहुत अच्छे दिख रहे हैं। दोस्तों कमेंट करके ये बताइए कि ये कौन सा पेड़ और कौन सी फली है इस पेड़ के ऊपर। खाने के लिए हम पूरा हान ही रहा क्या यह महल अभी बंद है बिल्कुल। इतनी सुंदर भवन है उसको बंद करके रखा गया, आप बता क्या है किस कारण से बंद करके रखा गया। शायद इसको लाइब्रेरी बनाया गया, ये लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी है जो लोगों को पढ़ने के लिए है। बहुत ही सुंदर अंदर सारी किताबें है। शांत को उधर जाना हो गार्डन में। बच्ची भी वीडियो है देख रहे थे आप, एक बच्ची भी वीडियो बना रही थी। थोड़ा सा घुस के इसको थोड़ा बहुत बता के ये है बच्चों के खेलने की जगह। बहुत ही सुंदर है गुलाब बाग के अंदर, बहुत ही सुंदर जगह है देख सकते हो आप। ये बच्चे झूला झूल रहे हैं अभी, हम चलते हैं आगे की। देख सकते हो बहुत ही जंगल के अंदर घुस गए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। क्या मिलता है देखने जाना, कैसी जगह है क्या है नहीं है क्या देखे दिक्कत से। यहाँ पे कुआ है, हमने सोचा क्या कुछ अच्छा देखने का होगा शायद, इसलिए हम इस तरफ आए थे। चलो चलते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है,
फूल मूल है तो गुलाब माल में गाइस बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा। आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि आपको पूरा खुल के बता पाए इस एरिया को। आपको बस जितना हो सके उतनी चल चल के बताएं। लोहंडिया आ गई होगी, सामने आपको दिखाता। आप यहाँ के मस्त मजे कर सकते हो यहाँ पे आके। दोस्तों हमें दिख रहा है कि नबलखा मंदिर, नबलखा मल संस्कृत केंद्र लिखा हुआ है इस पर बैनर के हुआ पर, तो शायद अभी ये नया नया बन रहा है, उनको उतना आइडिया नहीं है कि क्या है ये। ये एक शॉप है यहाँ पे अंदर, गुलाबबाग के अंदर एक शॉप है, मिस्टर हेल्थी जूस कॉर्न एंड कैफे करके नाम है, जो बहुत ही अच्छा है। मंदिर है हनुमान जी का मंदिर है। बंद ही है, इधर से नहीं जाएंगे। रेलवे चालू हो रही है दोस्तों, देखो रेलवे लाइन भी छाई जा रही है छोटे बच्चों के लिए, जहाँ पे गुलाब बाग में फिर से रेल चलने लगेगी, क्योंकि बीच में ये रेल की पटरियाँ हटा दी गई थी, सब कुछ हटा दिया गया था, रेल बंद कर दिया था रेल का मार्ग, लेकिन ऑफिस से दोबारा शायद रेल का आमगमन देखा जा सकता अंदर छोटे बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए।
ये है पटरिया दोस्तों, बिछी हुई है, देख पा रहे हैं हम। ये अंदर से इधर से गुजर, ये वो वाला रास्ता चढ़ने वाला, बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है रास्ते का। गाइस कैसा लगा आपको देख के? सब हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए। आइए और थोड़ा बहुत बता देते हैं आपको ब्लॉग कैसा है, फिर हम रवाना हो गए जाने के लिए। आप यहाँ से देख सकते हो आराम से, वादियों का सुकून ले सकते हो। चलो जा।